Students, I welcome you all in my third video on the topic finite difference operators. First definition is shift operator or displacement operator. Now we will discuss about this operator in detail and also study the relation between shift operator and already discussed backward or forward operators. First of all, we define shift operator as E f of x is equal to f of x plus h, or E y of a is equal to y of a plus h. अब क्या है shift operator की definition? अगर मैं simple language में आपको कहूँ तो shift operator का मतलब है function की value को नेक्स्ट वैल्यू पर शिफ्ट करना. अब देखो, आपने शिफ्ट ऑपरेटर लगाया फंक्शन की वैल्यू एट एक्स पर, तो शिफ्ट ऑपरेटर लगाने के बाद फंक्शन की वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर आ गई. ये एफ ऑफ एक्स लिखूं या मैं जनरल पॉइंट ए की बात कर रही हूँ, वाई की वैल्यू एट पॉइंट ए पर मैं अगर शिफ्ट ऑपरेटर लगाऊं तो रिजल्टिंग आंसर क्या आ जाएगा? ए से नेक्स्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि y of a plus h. Now we discuss about a few properties of operator e. अब अगर आपने e operator लगाना है दो फंक्शन के सम पे, वो इक्वल है किसके, कि आप दोनों फंक्शंस पे सेपरेटली e operator अप्लाई करो और वैल्यूज को क्या कर दो, एड. e ऑपरेटर लगाऊं c into f of x पे, मतलब किसी फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई कांस्टेंट है तो मैंने पहले क्या करा, यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा फिर e ऑपरेटर लगाया, या मैंने कांस्टेंट को बाहर रख के पहले ऑपरेटर e अप्लाई करा और फिर कांस्टेंट c मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता. अब यहाँ है e की पावर m इंटू ई की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स. क्या मतलब है कि फंक्शन एफ पर पहले ई की पावर एन अप्लाई करी, फिर जो रिजल्ट आया उस पर ई की पावर एम अप्लाई करी, या मैंने डायरेक्ट ई की पावर एम प्लस एन अप्लाई कर दी, इससे आंसर सेम आएगा. और ई स्क्वायर, जैसे मैंने डेल्टा स्क्वायर के केस में बताया था, क्योंकि ई भी क्या है, ऑपरेटर है, तो यहाँ पर ई स्क्वायर का मतलब ई का स्क्वायर नहीं है. क्या मतलब है, ई ऑपरेटर दो बार अप्लाई हो रहा है. ई ऑफ ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ये आपकी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन हो गया, कि फंक्शन एफ एक्स के मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट है प्लस फंक्शन जी एक्स के मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट है. तो मैंने पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी से तो दोनों पे सेपरेट किया और सेकंड प्रॉपर्टी से कांस्टेंट को बाहर रखा. अब एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जांपल्स में यूज होंगी. कैसे, कि आपने किसी एक्सप्रेशन पर ई ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सभी टर्म्स जितनी भी प्लस या माइनस में लिखी है सब पे ई ऑपरेटर सेपरेट अप्लाई कर लो. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर रखो, सिर्फ अपने फंक्शन पे अप्लाई कर दो. थर्ड प्रॉपर्टी से आपको क्या पता चलता है कि जैसे आपको सिंप्लीफाई लगे आप ई की उतनी ही पावर सीक्वेंस में अप्लाई कर सकते हैं, या जितनी पावर्स आपको गिवन है उसको इकट्ठा कंबाइंड करके अप्लाई कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम. लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ई डेल्टा इक्विवेलेंट टू डेल्टा ई. मतलब क्या है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको किसी फंक्शन पे डेल्टा और ई दोनों ऑपरेटर अप्लाई करने हैं, तो आप किसी सीक्वेंस में चाहे पहले डेल्टा अप्लाई करके फिर ई अप्लाई करो, या पहले ई ऑपरेटर अप्लाई करके फिर डेल्टा अप्लाई करो, दोनों से आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इस प्रॉपर्टी का अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो यहाँ से देखो, मैं पहले निकाल रही हूँ e डेल्टा f ऑफ x. डेल्टा f ऑफ x की डेफिनेशन लगा दी मैंने, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x. अब मैं दोनों पे क्या अप्लाई कर रही हूँ, e. क्या थी e की डेफिनेशन, f की वैल्यू जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं e ऑपरेटर अप्लाई होने से फंक्शन की वैल्यू से नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएगी. तो जब f ऑफ x प्लस h पर e अप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x प्लस 2h.
और f ऑफ x पर अप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ x प्लस h। अब हम निकालते हैं अपनी राइट हैंड साइड जो कि क्या है, डेल्टा e, यानी कि पहले मैं e ऑपरेटर अप्लाई करूंगी फिर अपना डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करूंगी। तो ई एफ एक्स क्या हो गया, f ऑफ x प्लस h। अब डेल्टा ऑपरेटर लगाना है, डेल्टा ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी आपकी, जिस पॉइंट पर आपने फंक्शन की वैल्यू पर डेल्टा लगाना है उससे नेक्स्ट वैल्यू निकालो और गिवन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो दोनों की राइट हैंड साइड सेम आई है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको चाहे किसी भी सीक्वेंस पे दोनों ऑपरेटर दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस चेंज करके दोनों ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। चलो वापिस आते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। अब हम कुछ स्पेशल पावर्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि e की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको e की पावर 1 तो कैलकुलेट करना आ गया, अब जरा ध्यान से e की और डिफरेंट पावर्स को, नेगेटिव पावर्स को भी समझो। अब जरा देखो मैं लिख रही हूँ e की पावर -1 f ऑफ x, तो क्या बना ये आपका f ऑफ x, तो एज इट इज पावर माइनस वन को मैंने x से मल्टीप्लाई करा और इसमें प्लस कर दिया, तो क्या बन गया f ऑफ x माइनस एच। ऐसे ही मैं अगर कहूँ e की -2 f ऑफ x, क्या बन जाएगा f ऑफ x, तो एज इट इज पावर को h से, h क्या है आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, पावर को h से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो क्योंकि पावर नेगेटिव है इसलिए साइन क्या आ जाएगा माइनस का। ऐसे यहाँ पर e की -n f ऑफ x क्या हो गया, -n को h से मल्टीप्लाई करा और इसमें ऐड कर दिया। यही सेम कॉन्सेप्ट अगर आप चाहो तो यहाँ भी समझ सकते हो, e की पावर 1 था, 1 को h से मल्टीप्लाई करा और x में ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ e की पावर 2 f ऑफ x निकालो तो आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ x एज इट इज पावर 2 को h से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया, x प्लस 2h आ जाएगा। बहुत ही सिंपल नोटेशन है ये। अब हम पढ़ेंगे e, डेल्टा और नेबला, क्या क्या है आपके शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। ये रिलेशन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है इनका प्रूफ, साथ ही आपके आगे जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं वो भी आपके इन्हीं रिलेशंस पर बेस्ड हैं। तो आपका पहला जो रिलेशन है वो है ई और डेल्टा ऑपरेटर के बीच, कि ई ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट है, 1 प्लस डेल्टा ऑपरेटर के। चलो इसका हम प्रूफ देखते हैं। डेल्टा एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आपने इस एक्सप्रेशन में आपको अपना शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना था, तो आपको पता है ई एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के। तो मैंने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, राइट हैंड साइड से एफ एक्स कॉमन निकाल लिया तो आ गया e माइनस 1। तो अब डेल्टा ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई करने पर e माइनस 1 एफ एक्स के इक्वल है, तो मतलब डेल्टा और e माइनस 1 ऑपरेटर इक्विवेलेंट है, मतलब e ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1 प्लस डेल्टा के। ओके, अब क्या आपने नोट करना है यहां पर ये जो 1 लिखा, अब क्योंकि e और डेल्टा तो क्या है ऑपरेटर है, तो ये 1 कांस्टेंट नंबर नहीं है आपका, ये कैसा ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी मतलब आपने पढ़ा हुआ है ना आइडेंटिटी फंक्शन, जिस भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर वही फंक्शन आ जाता है। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट 1 यूनिटी यूज हेयर इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर सच दैट 1 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो 1 है आपका कॉन्स्टेंट नंबर 1 नहीं है। अब नेक्स्ट जो आपका रिलेशन है वो किसके बीच में है, नेबला और ई ऑपरेटर के बीच में। तो नेबला किसके इक्विवेलेंट है, 1 माइनस ई इनवर्स के। तो अब नेबला की डेफिनेशन ये होती है आपकी, अब e इनवर्स f ऑफ x क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था पावर माइनस 1 को h से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो f ऑफ x माइनस h, f ऑफ x माइनस h की मैंने वैल्यू रिप्लेस करी, दोनों में से f x कॉमन रखा, तो नेबला ऑपरेटर इक्वल आ गया 1 माइनस e इनवर्स के। यहाँ भी सिमिलर टू अबव, ये जो मैंने 1 लिखा है ये एक्चुअली में आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आपका कॉन्स्टेंट 1 नहीं है। अब नेक्स्ट जो आपका रिलेशन है वो आ गया नेबला, डेल्टा और ई के बीच में।
कि नेबला इक्विवेलेंट है डेल्टा इनटू ई इनवर्स के। अब देखो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नेबला एफ ऑफ एक्स की ये डेफिनेशन होती है। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को डेल्टा की फॉर्म में लिखूं तो आपको याद होगा मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी बहुत बार आपको रिपीट किया है कि ये आपका जो सेकंड वाली टर्म होती है ये डेल्टा के साथ यूज होती है, फर्स्ट वाली टर्म जो होती है वो नेबला के साथ यूज होती है। अब यहां से इसकी डेफिनेशन भी देखना चाहें कि डेल्टा अगर आपको इस पे अप्लाई करना है तो एक्स माइनस एच से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स, तो एफ एक्स में से ए वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। अब मैं इसमें देखो क्या लिखूं, एफ ऑफ एक्स माइनस एच को क्या लिख दूं, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो आपका नेबला ऑपरेटर डेल्टा ई इनवर्स के क्या आ गया, इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेल्टा एफ एक्स अगर जीरो है तो आपका नाइदर डेल्टा इक्विवेलेंट टू जीरो नोर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। नॉर्मली आप क्या पढ़ते हैं, जब भी आपके दो फंक्शंस का प्रोडक्ट जीरो होता है नंबर्स का तो हम कहते हैं कि दोनों नंबर्स में से एक नंबर जरूर जीरो होगा। यहां पर आपके डेल्टा और एफ ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं। तो अब मैं यहां पर जब भी आपको कोई एग्जांपल देना ऐसा हो कि डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू तो जीरो आए लेकिन ना आपका एफ एक्स जीरो है और ना ही आपका डेल्टा जीरो है, तो सबसे सिंपल एग्जांपल है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एफ एक्स की वैल्यू हर पॉइंट पर एक फिक्स्ड कांस्टेंट आएगी चाहे आप एक्स की वैल्यू कुछ भी लो। अब जरा ध्यान से दे सोचो कि अगर वाई के कॉलम में मैं 2 2 2 ऐसे सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दूं तो आप डेल्टा वाई निकालोगे तो आपकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। लेकिन आपका फंक्शन वाई, फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी भी पॉइंट पर जीरो वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो ये आपका सिंपल एक कॉन्सेप्ट हो गया कि डेल्टा एफ एक्स अगर जीरो है और एफ एक्स को मैं अगर कांस्टेंट लूं तो यहाँ पे ना तो डेल्टा इक्विवेलेंट टू जीरो है और ना ही आपका एफ एक्स जीरो है। अब एक मेथड को थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था टॉपिक फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये ऑपरेटर्स हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। हम ये इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पर विदाउट यूजिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, क्या गिवन होगा आपको, एक्स और वाई की कुछ पॉइंट्स पर वैल्यूज। वैल्यू निकालने का एक मेथड आपने सेकेंड वीडियो में भी डिस्कस किया लेकिन वो मेथड प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है यूजफुल, क्यों, क्योंकि उसमें क्या किया था आपने, जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी थी अगर वो वैल्यू गिवन वैल्यू से ज्यादा डिस्टेंस पर थी तो बीच के सारे पॉइंट्स आपको इक्वल इंटरवल बनाने के लिए इंसर्ट करने पड़े थे, तो आपका काफी कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी हो रहा था। तो अब यहाँ पर हम एक नया मेथड पढ़ेंगे फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालने के लिए जिसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट जिसके बारे में क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए नहीं कहा गया है वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना है इस मेथड में, आपने शिफ्ट और डेल्टा ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करना है और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म्स एंड लीडिंग डिफरेंसेस, रिवाइज करो। लीडिंग टर्म क्या होती है, अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं तो y के कॉलम की जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या है, लीडिंग टर्म, और डेल्टा y के कॉलम का फर्स्ट डिफरेंस आपका फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस ऑफ डेल्टा, यानी कि हर कॉलम का फर्स्ट जो डिफरेंस है वो आपका लीडिंग डिफरेंस है। अगर बात करूं मैं बैकवर्ड टेबल की तो हर कॉलम का जो लास्ट डिफरेंस है वो आपका लीडिंग डिफरेंस है। यहाँ पर वैसे आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ इसे फॉरवर्ड वाले मेथड से सॉल्व किया है। अब देखो, मुझे जनरल, मैं तुम्हें ई की डेफिनेशन ही दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। वाई की वैल्यू एट पॉइंट ए अगर आपके पास है और आपको y की वैल्यू एट पॉइंट a प्लस nh जाना है
तो आपको इसे एन टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, या हम शिफ्ट की डेफिनेशन से कहें तो e की पावर एन वाई ए क्या हो जाएगा, मैंने अभी भी बताया था आपको, जो भी e की पावर में नंबर है उसे एच से मल्टीप्लाई करो और बेस में क्या कर दो, एड, तो ये क्या बन गया, वाई ए प्लस एन एच। ई ऑपरेटर किसके इक्विवेलेंट था, वन प्लस डेल्टा, तो ये वन प्लस डेल्टा की पावर क्या बन जाएगी, एन। नेक्स्ट ई की पावर एन क्या है आपका, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब हम अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। अभी देखो हम अपने एग्जाम्पल्स पे आते हैं। क्या गिवन है यहाँ पर, y की वैल्यू 8.02 है, 8.19, 2 पर 28, 3 पर 65, 4 पर 126, 5 पर 217। हमें 0.6 और -1 पर वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा, x और y की सारी वैल्यूज लिख ली। वैल्यूज लिखने के बाद मैंने अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई। मेथड मैं दोबारा से ज्यादा डिटेल में रिपीट नहीं करूंगी। डेल्टा वाई बनाने के लिए क्या करोगे, 9 - 2 - 7, 28 - 9 - 19, 65 - 28 - 37, कॉन्टिन्यूसली आप करते जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि कहाँ तक बनानी होती है, जैसे ही किसी कॉलम में सारी टर्म कांस्टेंट आ जाए तो नेक्स्ट कॉलम आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ रहा है, जीरो। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब देखो लीडिंग टर्म क्या है आपकी, 2, ये क्या है, y एट पॉइंट 0, ये लीडिंग डिफरेंसेस हैं आपके, ये है डेल्टा वाई 0, डेल्टा स्क्वायर वाई 0, डेल्टा क्यूब वाई 0, डेल्टा 4 वाई 0। अब देखो आपको निकालना क्या क्या है, y 6 और y माइनस 1, एट पॉइंट माइनस 1 निकालना है ना। तो अब जरा देखो y 6 निकालना है, तो अभी मैंने जो मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं इसे, e की पावर 6y0। जरा ध्यान से देखो यहाँ कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1, तो h की वैल्यू क्या हो गई, 1। h से इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन गया, 6, बेस में ऐड होगा तो क्या आएगा आपका, y6। ऐसे ही मैं अगर तुम्हें कहूँ y7 लिखो तो क्या लिख दोगे, e की पावर 7y0। अब उस मेथड में मैंने क्या लिखा था, e को इक्विवेलेंट 1 प्लस डेल्टा की पावर 6। अब ये जो एक्सप्रेशन है मैंने कैसे लिखा, बाइनोमियल थ्योरम से। अब इस एक्सप्रेशन में आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अब हम ये सारी टर्म सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एक्चुअल में क्या होगा, ये वाई जीरो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन आप पहले ही टेबल से देख चुके हो डेल्टा क्यूब के बाद कोई भी नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो बुक में यहाँ इसने इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है एज ए फर्स्ट एग्जाम्पल कि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन एग्जाम में जब आप इस एक्सप्रेशन को लिखो तो आप इसे डेल्टा क्यूब तक लिख के अप टू सोन डैश 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 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में मेंशन कर दे सकते हैं कि अदर हायर ऑर्डर डिफरेंसेस आर जीरो। अगर आपने बाय मिस्टेक लिख दिया तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो पुट हो जाएगी। अब मेरे ख्याल से बाइनोमियल थ्योरम सबको आती है इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर ही नहीं रही हूँ। सिंपल 1 प्लस एक्स की पावर 6 की ये बाइनोमियल थ्योरम लिखी, वाई जीरो सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा देखो ये एक्चुअल में ना 6c0 6c1 है, थोड़ी सी यहाँ बुक में मिस प्रिंटिंग है, ये 6 एक्चुअल में c के मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको। तो 6c0 क्या हो गया, 1, 6c1 क्या हो गया, 6। अब डेल्टा के साथ क्या आएगा आपका, वाई जीरो, डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू कितनी है, 7। कंफ्यूज हो जाओ तो आपने क्या लेनी है, हर कॉलम की पहली वैल्यू। तो देखो मैंने वैल्यूज पुट करी, डेल्टा वाई जीरो 7, अगले में 6c2 हो गया आपका 15, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो हो गया 12। ऐसे सारी वैल्यूज पुट करी और सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। अब मैं कहूँ वाई माइनस 1 निकालो तो क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस 1 वाई जीरो। बिल्कुल सेम वैसे ई को मैंने लिखा 1 प्लस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा की पावर माइनस 1 की जो एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव और पावर्स बढ़ती जाएंगी। अब आपने यहाँ भी डेल्टा 4 से आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सारी टर्म्स क्या है, जीरो। वाई जीरो अंदर मल्टीप्लाई हुआ, सभी की वैल्यूज पुट करी, आपका आंसर आ गया। यहाँ आपकी बुक में जो ये सेकेंड मेथड दे रखा है ये वही मेथड है जो मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन किया था वीडियो नंबर 2 में, कि आप यहाँ माइनस 1 ले लें या 6 ले लें।
अब क्योंकि यहाँ पर आपने ए और बी की वैल्यू लेकर टेबल कंप्लीट करी, लास्ट कॉलम की सारी टर्म जीरो है, तो ये दोनों भी जीरो होंगे, वैल्यूज आ गई। लेकिन ये वाला मेथड तब आपका कंफर्टेबल नहीं रहेगा अगर मैं आपको कह दूं कि x इज इक्वल टू 10 पर y की वैल्यू निकालो। क्यों? अगर आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो 6, 7, 8, 9 चार पॉइंट्स पर वैल्यू आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर है कि जहां भी क्वेश्चंस में ये अबव मेथड जो मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन करा अगर अप्लाई हो सकता है तो आपने वही मेथड अप्लाई करना है। चलो अब इस टाइप का एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। द थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। अब ये वर्ड क्यों इसने यूज करा है, और आपको वाई सिक्स निकालना है और ये चार वैल्यू आपको गिवन है। अब देखो चार वैल्यू गिवन थी, मैंने इनसे टेबल बनाई, डेल्टा थ्री में एक सिंगल वैल्यू रह गई, यानी कि अब इससे आगे आप टेबल नहीं बना सकते। लेकिन डेल्टा थ्री के कॉलम में एक सिंगल वैल्यू आने से यहाँ से आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि डेल्टा फोर, डेल्टा फाइव, आगे वाले जितने भी डेल्टा हैं वो जीरो हैं। इसीलिए इसने यहाँ ये मेंशन किया कि थर्ड डिफरेंसेस कांस्टेंट है, मतलब आपको डेल्टा थ्री से आगे वाली टर्म्स आगे कहीं भी यूज नहीं करनी। वाई सिक्स निकालना है तो हम ये बुक वाला मेथड ना करते हुए अपना बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह रिपीट करेंगे। y6 को क्या लिखेंगे, e6y0, e को क्या लिखूं, 1 plus delta की 6y0। अब मैंने देखो 1 plus delta की 6 की binomial expansion 3 तक लिखी, बाकी टर्म्स कट कर दी, इसीलिए कट करी है क्योंकि वो आपकी वैल्यूज क्या है, जीरो। अब क्या करूं, y0 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या बन गया, y0 दिस। अब y0 की वैल्यू क्या है, y के कॉलम की पहली टर्म यानी कि 9, डेल्टा वाई जीरो भी क्या है 9, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो क्या है -7, डेल्टा क्यूब वाई जीरो क्या है 9, सारी वैल्यू पुट कर ही सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल निकालनी है जो आपकी गिवन वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। अब देखो इसका प्रूफ क्या है, सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, टेबल तो आपने हर क्वेश्चन में बनानी है। मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज लिखी, डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर ही कांस्टेंट आ गया, यहाँ तो क्लियर हो गया, तो डेल्टा क्यूब ऑनवर्ड सब क्या आ गए आपके, जीरो। अब देखो अब क्या लिख रही हो, अब ध्यान से इसको समझना, हमें क्या निकालना है इस टेबल से, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आपने कन्वर्स ऑफ फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था, क्या था, मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा रही हूँ कि कोई भी टेबुलर फंक्शन आपको गिवन है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये टेबुलर फंक्शन हो गया कि आपको फंक्शन ना देकर टेबल की फॉर्म में कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब उसमें डेल्टा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, और डेल्टा क्यूब क्या है, जीरो। तो कन्वर्स क्या कहता है कि इस डाटा से अगर आप कोई पॉलिनोमियल फंक्शन बनाते हैं तो उसकी डिग्री क्या आएगी आपकी, टू। तो देखो यही एक्सप्लेन करा इसे, थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस जीरो हैं, फोर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस भी जीरो होंगे, तो एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री कितने की होगी, टू की। अब जनरल सॉल्व करना है क्योंकि आपको कोई ऐसे तो नहीं मैं एक्सप्लेन करा कि वाई कौन निकालना है, तो मैं वाई एन निकालू, उसको लिख दू ई एन, एफ जीरो ना लिख के आप इसको वाई जीरो लिखो तो ज्यादा बेटर है। ई एन को लिखा 1 plus delta की पावर n। अब ये बाइनोमियल आप कहां तक ओपन करोगे, सिर्फ डेल्टा स्क्वायर तक, क्यों, अदर टर्म्स आर जीरो। लिखी मैंने बाइनोमियल, ब्रैकेट ओपन करी, एफ ऑफ जीरो क्या है आपका, यहाँ जरा ध्यान से देखो, जीरो, डेल्टा एफ ऑफ जीरो 3, डेल्टा स्क्वायर 2, सारी वैल्यूज पुट कर दी, एन की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, चाहे आप इसको एक्स की फॉर्म में लिखो, यही आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये आपकी डेल्टा और ई की सारी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पर वी विल प्रूव एग्जाम्पल नंबर 13। द स्टेटमेंट इज डेल्टा स्क्वायर बाई ई एफ ऑफ एक्स ई ऑफ ई एक्स इंटू डेल्टा स्क्वायर ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी। आपने यहाँ ये नोट करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मेंशन हो वही आपने यूज करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप स्मॉल h यूज कीजिए,
अदरवाइज जो मेंशन है उसे यूज करना कंपलसरी है. यूनिटी मतलब यहाँ स्मॉल एच की वैल्यू आपने क्या यूज करनी है, वन. अब देखिए प्रूफ. मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, वन बाय ई ऑपरेटर का इनवर्स है इसलिए मैंने उसे ई इनवर्स लिखा. डेल्टा और ई की प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी ऑपरेटर को फंक्शन पर पहले अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर पहले ई ऑपरेटर को अप्लाई करना है, दूसरी टर्म एज इट इज लिखी. अब ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या मीनिंग होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच. तो ई एक्स है तो ई की एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू क्या है, वन. तो मैंने इस एक्सप्रेशन को e माइनस वन, e की x को मैंने e की पावर x माइनस वन लिख दिया. फिर e ओवर e की पावर x क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑपरेटर जब e की पावर x पर अप्लाई होगा तो नेक्स्ट वैल्यू e की पावर x प्लस वन आ जाएगी. अब मेन काम आपका क्या है, एक तो आपको डेल्टा स्क्वेयर ई एक्स निकालना है, एक आपको डेल्टा स्क्वेयर e की पावर x माइनस वन निकालना है. दोनों को निकालने की प्रोसेस सेम है, मैंने यहाँ डेल्टा ई की पावर एक्स को एक्सप्लेन करा है. डेल्टा का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है उससे नेक्स्ट पॉइंट पर वैल्यू निकालो और ये गिवन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो. अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाने के लिए एच की वैल्यू वन है तो ये हो गया, दोनों में से ई की एक्स कॉमन आ गया, ई माइनस वन बच गया. डेल्टा स्क्वायर किसी फंक्शन पर लगाना है तो क्या मतलब होता है, डेल्टा ओवर डेल्टा ई की एक्स. डेल्टा ई की एक्स की वैल्यू पुट करी. अब आपकी डेल्टा की ये प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है ना तो ये कांस्टेंट है, तो मैंने इसे लिखा कॉमन और डेल्टा ई की एक्स एज इट इज. डेल्टा ई की एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ई माइनस वन पर स्क्वायर आ गया और ये वाली वैल्यू मैंने देखो डेल्टा स्क्वायर ई की एक्स की जगह पुट कर दी. सिमिलरली जब आप डेल्टा स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस वन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है फंक्शन, डेल्टा स्क्वायर ई की एक्स में क्या आया, ई माइनस वन का स्क्वायर और फंक्शन एज इट इज. ऐसे ही जब डेल्टा स्क्वायर ई की पावर x माइनस वन सॉल्व करोगे तो वही e माइनस वन का स्क्वायर आएगा और फंक्शन एज इट इज. तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ भी रिप्लेस कर दी. अब क्या करना है, पावर्स कलेक्ट करके सिंप्लीफाई, e माइनस वन स्क्वायर से e माइनस वन स्क्वायर कैंसिल. अब क्या करूं, e की x प्लस वन बाई ई एक्स बच गया और e की पावर x माइनस वन बच गई. अब सब बेस e है तो मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड, और डिवाइड वाली पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट. तो देखो आपका क्या एक्सप्रेशन बनेगा, x माइनस वन प्लस में e की पावर में x प्लस वन माइनस x, एक x कैंसिल, वन से वन कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया, e की पावर x. लास्ट एग्जांपल, क्या गिवन है आपको, x और y की वैल्यूज डेल्टा स्क्वायर y 5 निकालना. अब इसको निकालने के दो मेथड है, यहाँ ये जो दूसरा मेथड, इसमें मैंने सिंपल क्या किया, बैकवर्ड टेबल बनाई डेल्टा स्क्वायर नेबुला स्क्वायर तक, सॉरी नेबुला स्क्वायर वाई फाइव निकालना था तो मैंने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई. अब आपको पता है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में जो आपकी हर कॉलम की लास्ट वैल्यू होती है वो लास्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, तो यानी कि ये जो आपका टू है ये आपका है नेबुला स्क्वायर वाई फाइव. अब अगर मैं आपको कह दू इसी क्वेश्चन में नेबुला स्क्वायर वाई फोर निकालो, तो फोर का नीचे से कौन सा सीक्वेंस में नंबर है, सेकेंड, तो हर कॉलम की लास्ट सेकेंड वैल्यू क्या होगी फोर के लिए. यहाँ इसने प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करा है तो क्या करा, नेबुला स्क्वायर वाई फाइव क्या होगा, नेबुला इक्वल होता है वन माइनस ई इनवर्स के. स्क्वायर ओपन कर दिया, देखो ए का स्क्वायर वन, ई की पावर माइनस वन का स्क्वायर ई की माइनस टू, टू ए बी आ गया आपका. ब्रैकेट ओपन कर दू, वन इंटू वाई फाइव वाई फाइव, ई की पावर माइनस वन इंटू वाई फाइव, ई की पावर माइनस टू इंटू वाई फाइव. अब शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है, सबके बीच में डिफरेंस वन, तो आपने कैसे निकालना होता है, शिफ्ट ऑपरेटर जो भी आपकी पावर है उसे आपने एच से मल्टीप्लाई करके बेस में ऐड करना है. तो यहाँ एच की वैल्यू तो वन है तो मतलब आपने यही पावर ऐड करना है, तो माइनस वन जब फाइव में ऐड होगा तो फोर आ गया, माइनस टू फाइव में ऐड हो गया तो थ्री आ गया. वाई फाइव कितना है 26, वाई फोर कितना है 17, वाई थ्री कितना है 10. सॉल्व करके पुट किया आपकी वैल्यूज आ गई. ये आपका टॉपिक.